नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जो कोई बीमारी नहीं है बट एक कॉमन सिम्टम है। सबसे कॉमन सिम्टम पेट में दर्द। पेट के डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा मरीज़ जिन दो तीन कारणों से आते हैं उसमें एक पेट का दर्द होता है। तो पेट का दर्द अपने आप में निश्चित रूप से कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, लक्षण है जो पेट से होने वाली किसी बीमारी से होता है। तो पेट, जैसे कहते हैं, ये एक पिटारा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये पेट के दर्द का कारण क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आप जो हिस्ट्री बताते हैं, अपने जो सिम्टम्स बताते हैं और एक बेसिक एग्जामिनेशन होता है, उसके ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पेन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अक्यूट पेन, यानी कि अभी अभी हो रहा है, पहले आप बिल्कुल ठीक थे, एकाएक पेट में दर्द होने लगा। और दूसरा क्रॉनिक पेन, यानी कि पेट में दर्द बहुत लंबे समय से हो रहा है, बार बार होता है, जो बीच बीच में ठीक होता है फिर आता है, तो ये क्रॉनिक पेन हो गया। तो ये एक दो उसके हिस्से हो जाते हैं, अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन, जिसमें इंसान बिल्कुल ठीक था और एकाएक पेट में दर्द होने लगे, ये इसकी संभावना है पेट के किस पार्ट में दर्द हो रहा है। अगर पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है तो इसके कॉमन कारण सिंपल एसिड से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे आपको मान लीजिए घुटने में दर्द है, आपने दर्द की गोली खाई, कोई पेन किलर खाया, उसके कारण एसिड बना पेट में और उससे पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो गया। खाने पीने का कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण आंतों में सूजन आई, उसके कारण पेट में दर्द हो रहा है। बट इस स्थिति में आपको साथ में उल्टियाँ और लूज मोशन होंगे। तीसरी सबसे कॉमन कारण जो सिग्निफिकेंट बिना किसी इन चीज़ों के होती है, वो होती है गॉल ब्लैडर का स्टोन। अगर पेट के सेंटर में या राइट साइड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जो आधे घंटे से ज़्यादा रहता है, तो इसको हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं। तो ये पेट में दर्द का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जनरली इसको लोग एसिडिटी से रिलेटेड होने वाले दर्द से कन्फ्यूज़ करते हैं, बट जैसा मैंने बताया, एक प्रॉपर हिस्ट्री और अगर आप सही सही बात बताएंगे तो इसका कई बार क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत सही होता है। पैंक्रियाज से होने वाला पेन, पेट के ऊपर के हिस्से में जो बिल्कुल पीठ की तरफ जा रहा हो, सीवियर पेन, ये पैंक्रियाटाइटिस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आंतों से होने, आंतों की रुकावट, कई सारी बीमारी होती है जिसमें आंतों में रुकावट हो जाती है और उसके साथ पेट में दर्द होता है। इस हालत में पेट में दर्द के साथ कई बार उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल स्टूल पास होना, यानी कि मोशन पास होना बंद हो जाता है और गैस पास होनी बंद हो जाती है। तो सीवियर अक्यूट पेन के ये प्रमुख कारण होते हैं। उसके अलावा पेट के नीचे के हिस्से में यदि दर्द हो रहा हो, बीच में किडनी में स्टोन होना, ये भी पेट में दर्द का कारण होता है। कई बार लोग पेट के डॉक्टर के पास आते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये भी बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। पेट के मिडल में, राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा हो, पेशाब के रास्ते में जा सकता है, पीछे पीठ की तरफ जा सकता है, और साथ में यूरिन के सिम्टम्स होंगे, यूरिन बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, बुखार होना। अपेंडिसाइटिस पेट के लोअर हिस्से में, पेट में अक्यूट पेन का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। राइट साइड में ये दर्द नाभि के पास से शुरू होता है और राइट लोअर साइड में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि आंतों में, जनरली एल्डरली लोगों में कुछ आउट पाउचिंग से बन जाती हैं और इस डाइवर्टिकुलम में इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द हो सकता है, इसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। एल्डरली लोगों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। पेट के अंदर का कहीं का कोई हर्निया, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो नाभि के पास या इंग्वाइनल हर्निया, उसके कारण एक्यूट पेन हो सकता है। तो ये एक लिस्ट है जो कॉमन एक्यूट एब्डोमिनल पेन के होते हैं। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, जिसमें बिना किसी कारण के पेट में दर्द लगातार चल रहा हो, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बीमारी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस आती है, जिसमें पैंक्रियाज के अंदर परमानेंट एक डैमेज हो गया, पैंक्रियाज की नली में पथरियाँ फंसी हैं और इससे बार बार पेट में दर्द होता है। रिकरेंट पेन, यदि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को इग्नोर करें, वो भी बार बार पेन करते हैं, बट ये सडन शार्प सीवियर पेन होता है। और ये रिकरेंट अक्यूट पेन, आंतों की रुकावट में भी बार बार पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिससे पेट में दर्द हो सकता है, जैसे कि ये अनकॉमन कंडीशंस हैं, जैसे हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का ब्लड में बहुत बढ़ जाना, इससे बार बार पेट में दर्द होना। तो इस चीज़ों से अगर नहीं जानकारी मिल रही हो हिस्ट्री से, तो फिर हम इन चीज़ों पे जाते हैं। जनरल आपने जो हिस्ट्री बताई, एक एग्जामिनेशन एक मोटा मोटा कारण हमें बताता है कि किस कारण से दर्द हो रहा हो। जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जनरली दो चीज़ हम हर किसी को बताते हैं, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, जिससे गॉल ब्लैडर का स्टोन, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, इसकी एक प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है।
पेट का एक्सरे, पेट की रुकावट के बारे में बताते हैं, और कुछ सिंपल से ब्लड के टेस्ट हमें कई सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। अगर इनसे हमें पेट के दर्द का कारण नहीं पता चल रहा हो तो सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन कराना। अगर अल्सर और इसकी संभावना है तो एंडोस्कोपी, अगर डायवर्टिकुलम की संभावना है तो कोलोनोस्कोपी। तो एक एल्गोरिथमिक अप्रोच होता है जो कि आपकी हिस्ट्री, ड्यूरेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और सिंपल टेस्ट जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट के बाद क्या इसमें जानकारी मिली और पेन ठीक हुआ या नहीं हुआ इस पर निर्भर करता है कि आगे हम सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी और कहाँ तक दूसरी चीज़ों का टेस्ट करेंगे। तो जब भी पेट में दर्द हो रहा, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे लोगों को सारी जांचों के बाद भी दर्द का कोई कारण नहीं नज़र आता है, तो वो इस बात से परेशान होते हैं कि दर्द हो क्यों रहा है। तो इस पेन को फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहते हैं। सबसे कॉमन ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, जो कि साइकोलॉजिकल कंडीशन से आंतों में खिंचाव के कारण ये पेन महसूस होता है। अडल्ट्स में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक अन्य वीडियो है जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, उसमें ये क्या होता है कि पेट में दर्द के साथ, आंतों में खिंचाव के साथ बार बार लैट्रिन जाने की स्थिति बनती है, और कुछ लोगों को यही पेन इतना ज़्यादा होता है कि बार बार इसके लिए हॉस्पिटलाइज और इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ये भी होता है जिसमें सबसे कॉमन बच्चों में ये चीज़ें होती हैं और एडल्ट्स में भी हो सकती हैं। अनकॉमन चीज़ें जैसे लेड पॉइजनिंग और ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें रूटीन टेस्ट में, पोरफायरिया एक ऐसी बीमारी होती है इसका कारण रूटीन टेस्ट में पता ना चले फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करें, सिम्टम्स को देखें, आप भी अपने लक्षणों को अगर ध्यान से नोट करेंगे तो इसका कारण ज़रूर मिलेगा। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को आप इमीडिएट, और कई बार पेट जब दर्द हो रहा हो उसी समय जो टेस्ट किए जाते हैं खास करके पैंक्रियाज, आंतों की रुकावट के लिए, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो तुरंत ही, रात हो दिन हो, कभी भी आप तुरंत जाएँ अगर ज़्यादा पेन है, इमरजेंसी में जाएँ और सिस्टमेटिकली इसको फॉलो करें तो इसका कारण ज़रूर मिलेगा और इसका निदान भी मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।